हाईवे का पास ये बोर्ड लगा रहेगा। अब यहाँ पे आदमी सब बैठा रहता है पूछ। हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे, जय श्री राम। अभी आपको मैं ले चलता हूँ वृंदावन, जय माता जी का टेम्पल है जो ये बिल्कुल खानभेल का पास है। आप जब भी खानभेल हो या खानभेल का हो तो आप तो आए होंगे, सिलवास का हो तो भी आया होगा आदमी लोग, और जब उस सारा आदमी को पता नहीं होगा इसके बारे में। फिर आप आना चाहते हो तो फिर कहाँ पे, खानबिल से अब थोड़ा सा पहले आप बस वाला को बोलोगे कि हमें वृंदावन मंदिर जाना है, तो फिर वो आपको उतार देगा। ज़्यादा नहीं, 25 रुपया लेगा, गवर्नमेंट का बस है। बाकी बात और टेम्पो सब मिलता है यही सब, और आपको इको स्टार मिल जाएगा। जब रास्ता में उतरोगे आपको जो ज़्यादातर, नहीं ये बोल रहा था, मैं 2-3 आदमी से पूछा तो बोल रहा है सिर्फ 2 किलोमीटर की 1 किलोमीटर है, पैदल चलते चलते आप 10 मिनट में पुग जाओगे। आप लोग हमेशा यहाँ पर अवेलेबल हो तो पूजा कराने के लिए? सावन में सिर्फ अवेलेबल हो कि हमेशा सालों भर इधर ही आप पूजा, कोई पूजा कराना चाहे यहाँ पर आना चाहे तो आ सकता है? आ सकता है, आप लोग अवेलेबल यहाँ पर रहोगे? हाँ जी, थैंक यू। मतलब आप लोग बाहर को हो, यहाँ का नहीं हो गया? सिलवास से नहीं हो? सिलवास से हो, मतलब आते जाते रहते हो? जी। आप यहाँ पे आओ तो एक बार अपना भगवान का आगे पीछे एक बार चक्कर लगा लीजिए, करिए पंड जय भोलेनाथ। सर कितना बार लगाना चाहिए चक्कर नियम से? मतलब आधा ही लगाना चाहिए, एक बार लगा के वापस से इधर से चले जाने का है, ओके, पूरा चक्कर नहीं लगाना है। जी जय भोलेनाथ। आप कृपया कभी आओ माता जी का मंदिर तो पूरा रोटेशन मत लगाइएगा, दायां बगल से आधा आइएगा और भोलेनाथ का जो दिखाया ना आपको नीचे वहाँ तक आप जाइएगा और प्रणाम कर रिटर्न फिर से वापस माता जी के पास आ जाइएगा। ये मतलब नियम है यहाँ पे। सावन का लास्ट संडे है और मंडे, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5-6 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है, तो मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को ये सीन दिखा कर व्यू देकर। व्यवस्था दिया सर, ये हवन करने के लिए आदमी बाहर से भी आकर कर सकता है कि सिर्फ सिर्फ पंडित जी करते हैं? पंडित जी भी करते हैं और बाहर से आके इजाजत करके लेके आदमी यहाँ कर सकते हैं। ओके, जगह भी है रहने के लिए, बाहर से आदमी आया तो यहाँ पे टूरिस्ट भी, उनकी व्यवस्था नहीं है, काम चल रहा है, काम काज चल रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, वो अभी बन चुकी है, टाइम लगेगा। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। क्या लगा? बहुत ही अच्छा लगा, दिल का शांति, दिमाग का शांति। कई सालों से आते जाते लोग रहते हैं जी। आज लास्ट सावन है तो फिर अभी आदमी यहाँ तक कब तक आते रहेगा? सुबह तक, सुबह तक आते रहते ना। कभी मैं जाके भंडारा में पूछ के आया तो 20,000 का तो
पे बजरंग दल भी आते हैं 11 से, सब मिलजुल कर काम करते हैं। अच्छा बात है, सब मिलजुल कर करना चाहिए। जी भी है हमारे जी जी जरूरत है, तो हम टेबल पे वहाँ बैठेंगे, वहाँ टेबल पे हम लोग बैठेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सर ने बोला कि स्वामी जी बोला, लेकिन पहले अंदर से मिल लेते स्वामी से। अच्छी तरह दिखाओ। हाँ नहीं, अपना भगवान का तो अच्छा ही दिखाना चाहिए, और भगवान हमारा अच्छा ही है, तो फिर चारों तरफ घूम घूम के ले ले। नहीं, वो तो ऊपर से मैंने अच्छा अच्छा वीडियो बनाया था। हाँ। आप टेंशन मत लीजिए। पंडित जी सबसे मिला, अब जैसे मतलब मंदिर में एंट्री करो माता जी का, तो लेफ्ट हैंड और राइट साइड दो साइड डोर होगा। आप लेफ्ट तरफ जाओगे तो वहाँ में हवन कर सकता है, लेकिन जैसे आप राइट साइड आओगे तो यहाँ पे आपको भोलोनाथ जी का नंदी मिलेगा, जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपको नंदी, मैं बोला ना राइट हैंड साइड नंदी है और लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे आप हवन करने के लिए स्पेस, आप पूजा भी करा सकते हो यहाँ पे आते हो। पंडित जी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। माता जी के पास भी हवन है करने के लिए आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पे हवन नहीं, लेकिन अगरबत्ती दिखाने के लिए भगवान को आप यहाँ से दिखा सकते हो। ये जो और चीता तो दोनों भगवान उधर भी था। बस अंदर चलते थोड़ा साइलेंट का करें, ब्रह्मा का पास इतना बड़ा। अरे ये धागा ख़त्म हो चुका है, ये नहीं तो ये तो एक दोस्त उज्जैन से ला के दिया, और खुद जाकर बांधते तो अच्छा लगता है कि उज्जैन। तो नेक्स्ट टाइम सोच रहा हूँ जाऊँगा 2 अक्टूबर से। मैं सोचा क्या करूँ, मैं भी टीका लगा लेता और धागा बांध लेता तो, जब माँ का पास आया हो तो ऐसे भी रक्षाबंधन आने वाला है। चैनल मेरा SRK राणा है, राणा शंकर राणा कुमार है। मैं सिलवास का नहीं, एक्चुअली असम का हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं सिलवास में ही अभी रह रहा हूँ, 2-3 महीना से। मतलब इधर का एरिया के बारे में कैप्चर कर रहा हूँ, यहाँ का मानसून सीजन फेस्टिवल के बारे में ये सब। मैं पता चला कि माता जी का मंदिर है, फिर यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। स्वामी नारायण है, उधर भी गया मैंने, फिर अभी बलसात में भी बोला बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर है सिलवास में, उधर भी गया मैंने अभी बलसात में। कहाँ जी? हाँ जी, उधर उधर सबसे पहले उधर ही गया मैं, फिर इधर आया। कोई बोला कि इधर भी जाओ या उधर जाओ, एक ही है, लेकिन मैं सोचा कि आदमी ज़्यादा उधर जा रहे थे। ये क्या है, प्रसाद जी? थैंक यू। हाँ दे दो आप, क्योंकि इस बार मैं कुछ ज़्यादा दान नहीं दे सका आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भगवान को रक्षा करते हो, तो आप लोगों को देना हम लोग का फर्ज है, क्योंकि हम लोग नहीं देंगे तो आप लोगों को कौन देगा? आप ऐसे ही अपना क्या जी आगे नहीं नहीं आगे भरूंगा, अरे क्यों नहीं भरूंगा माँ अपना जी, अभी तो 500 हुआ है, अभी तो 6-7 महीने स्टार्ट किया हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, माँ जी की कृपा हो और आप लोग का जैसा आदमी हो अपना धर्म में, तो फिर आप लोग ऐसे ही माँ का सेवा करते रहिएगा।
कोई भी आए तो सबको ऐसे ही फल फूल देते रहिए, कोई ना कोई आप लोगों को दिखेगा। और मैं खुद बड़ा हो जाऊंगा, कभी क्या पता हो जाओ तो आप लोगों के पास आऊंगा, आप लोग से ज़रूर मिलूंगा। वीडियो में तो आप लोग रहोगे ही। धन्यवाद हमारा धर्म और अपना माँ मेरा माँ को सेवा करने के लिए। ऐसे ही अच्छा से करते रहिएगा। और जी थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया दा। ओके, मेरी इच्छा बिल्कुल। भाई साहब बोले कि हम लोग का साथ में, आप देख रहे हो ये दो मेरा बहन और एक मेरा बहन जो पहले हमें हाथ में धागा बांधा, कितना अच्छा से माता का मंदिर में जा रही है, पूजा पाठ कर रही है और कावड़ लेके जा रही। मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारा देश की बेटियां करे। मैं अपना बहन और भाभी हूँ जो भी हो, मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आजकल का लड़की कुछ हमें प्रसादी भी दिया, भगवान भला करे, अभी तो कुछ बड़ा आदमी बना नहीं, लेकिन जिस दिन बने वो दिन आता। जो अंदर दिख रहा है शंकर भगवान का मंदिर, ये गार्डन है कि अंदर पूजा होता है? ये जो भगवान का मंदिर दिख रहा है ना, गार्डन है, लोक रहता है क्या? अभी लोक है क्या वो? बंद कर रखा है। ओके, ऐसे ही खुला रहता है वो क्या? मतलब दूसरा दिन आना पड़ेगा क्या? तपोवन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वृंदावन बिन टूरिस्ट डिपार्टमेंट यूट्यूब तक तो कुछ आप आओगे माता जी का मंदिर के पास, तो अंदर भी अपना शंकर शंभू जी का कुछ गार्डन मिलेगा जो आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर आज लोग है। कुछ ये सब आपको भगवान का अंदर मिलेगा जो बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। ओके, मेरी इच्छा बिल्कुल।